मैं अपने अज़ीज़ बहनों भाइयों का शुक्र अदा करता हूँ। अज़ीज़ बहनों भाइयों की सलामती हो। आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम मुक़दस में यूहन्ना रसूल की इंजील उसका दूसरा बाप और उसकी पहली आयत से मसीह खुदावंद यीशु मसीह ने जो काना गलील में शादी के मौका पर मौजा किया उसके हवाले से आज हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। यूहन्ना रसूल की इंजील का दूसरा बाप उसकी पहली आयत से हम खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। यूँ लिखा है खुदा के कलाम में, फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहाँ थी और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहां यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें दो दो तीन तीन मन की गंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मीर मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मीर मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहां से आई है, मगर खादम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे, तो मीर मजलिस ने दुल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकस उस वक्त जब पीकर छिक गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। ये पहला मौजदा यीशु ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। इसके बाद वो और उसकी माँ और भाई और उसके शागिर्द कफरनहूम को गए और वहां चंद रोज रहे। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो, आमीन।